वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार आजाद और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो आपका हुआ था, इसी का एग्जाम जो हुआ था आपका प्रीलिम एग्जाम 7 जनवरी को, उसका हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उसके सोल्यूशन देख रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट क्रैश कोर्स बना रखा है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये सी लेकर देख रखा है, पर यहाँ पे ये सारे चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गेट हो, ई एस सी हो या पी एस सी का कोई एग्जाम हो। जैसे कि आप एस एस सी जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप जरूर ये क्रैश कोर्स को देख के जाए। यहाँ पे आपको 52 लेसन में मैंने पूरा कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रखा है, जो कि रेगुलरली क्वेश्चंस आपने के किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी फॉर्मेट में वो आते रहते हैं। तो देख सकते हैं इसको कितना अच्छा रेटिंग रिव्यू मिला है, और ये मेरे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कोर्स भी है। तो आप इसको जरूर देखें, कम से कम समय में भी ये बहुत अच्छा और वो व्यू इसको मिला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। 66 क्वेश्चन है ये सेट ए का। तो देखिए क्या है, तो भाई पता नहीं आप लोग पढ़ के गए थे कि नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी भी सिलेबस में था, उसको ही पढ़ के जाना था आपको। मैंने बनाया भी रिन्यूएबल एनर्जी पे बड़ा सा कोर्स भी बनाया है, पर वो आपका जनरल कोर्स बनाया था, इसके हिसाब से ईएससी के हिसाब से मैंने नहीं बनाया था, फिर भी उससे बहुत सारा मदद मिल सकता है। तो वहाँ पर भी मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, मैं इसको फिर से बनाऊँगा आपको रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, आपका जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी सिलेबस एक्चुअली क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो वो आपको बनाना, अभी मैं तैयार कर रहा हूँ जो सिलेबस है ईएससी का, उसके अनुसार मैं बना रहा हूँ, तो उसको बाद में मैं अपलोड करूँगा धीरे धीरे। तो सिलेबस क्लियर नहीं था, तो उसी कारण अभी तक मैं बना नहीं पाया। सुबह देखिए, इन सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर द ऑब्जर्वर प्लेट इज पेंटेड विद सिलेक्टिव पेंट। तो सिलेक्टिव पेंट से पेंट रहता है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके, अधिक से अधिक हीट ऑब्जर्व करेगा, तभी कलेक्टर से पानी हम गर्म करेंगे, जो भी यूज करना है करेंगे। तो द सेलेक्टिविटी इज रेशियो ऑफ, सेलेक्टिविटी क्या होता है, तो सेलेक्टिविटी ये रेशियो होता है, नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि ये सोलर रेडिएशन ऑब्जर्वेशन टू द थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन इमिशन, कितना वो ऑब्जर्व कर रहा है और कितना इमिट कर रहा है, वो इंफ्रारेड रिएक्ट करता है, वो रिमिट करता है उसी इंफ्रारेड, हर कोई अपना इंफ्रारेड इमिट करता है। वो इंफ्रारेड क्या होता है कि वो कम एनर्जी का वेवलेंथ है, इसी इंफ्रारेड के कारण आपको नाइट विजन कैमरा जो होता है उसी इसी पे वर्क करता है, उसी ही आपका वो जो इंफ्रारेड आप जो इमिट कर रहे हो, हर कोई अपना अपने अपने टेम्परेचर के कारण इंफ्रारेड इमिट करता है, तो उसी को वो पहचानता है और उसी कारण वो इंफ्रारेड का जो आपका नाइट विजन कैमरा है वो काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, ये काफ़ी आप लोग कर चुके हैं इस क्वेश्चन को एक्चुअली, फिर भी आप लोग गलत करके आए होंगे या फिर छोड़ के आए होंगे वो अलग बात है। या आप लोग 12th में बहुत क्वेश्चन आता है इससे, और ये आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे बार बार कहते रहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन सर आप बताइए। तो देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बताने का कुछ नहीं, क्वेश्चन करके प्रैक्टिस ही करना है। तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, फोर्स मिल तो उसी प्रकार से बैलेंस करना, आप नहीं जानते इसमें क्या थ्योरी क्या बताऊंगा मैं इसमें, यार फोर्स बैलेंस कर दो, सारे फोर्स को तोड़ो बैलेंस कर दो, एक डायरेक्शन है बाई डायरेक्शन है मोमेंट बैलेंस कर दो। अब है कि कैसे हम इसको आसानी से सोल्व कर लें, ऐसे मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने अपना कोर्स नहीं बनाया है इस पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, क्योंकि मुझे आसान लगता है कि आप 12th से पढ़ते आ रहे हो, अभी भी अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो इंजीनियर हो के अभी भी यही पढ़ रहे हो, तो मैं सोचा कि सबसे अंत में बनाऊंगा इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ जानता है। तो एक लैडर है, ऐसा लैडर है, एक सीढ़ी है बेचारा, वो आपका 13 मीटर का है जो दीवार पे लगा हुआ है, ठीक है, दीवार पे हमने लगा दिया इसको, और इसका जो जो फुट है वो आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, ऐसा ऐसा उसने लिख रखा है। तो आपसे पूछ रखा है व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसने पूछ रखा है बिटवीन द लैडर एंड द फ्लोर। तो यहाँ पे वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है उसने, लैडर रिमेन इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम रहने के लिए, यानी कि हिल रोल नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो ये जान लो इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट फोर्स 0 है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है नेट फोर्स नेट मोमेंट दोनों 0 होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में कहलाता है, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की ऑब्वियसली बात हो रही है, यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं इसको इक्विलिब्रियम में, सबसे पहले ये तो अननेसेसरी कैलकुलेट किया गया, थीटा है आपका ये 5 दे रखा है, 13 दे रखा है, तो ये 5 कैलकुलेट कर लिया, तो थीटा यहाँ से निकल गया, कॉस थीटा इक्वल टू उसने कर लिया, और थीटा को इस तरह में लिख लिया आपका, हो कैसे सर हम लिखेंगे, तो वो आप अप्रॉक्स कर लेना, थीटा भी निकाला है अप्रॉक्स कर लेना, आप नहीं निकाल पा रहे हो तो, क्योंकि भाई उससे अंतर नहीं आएगा आपको, मतलब कि यहाँ से नहीं कर पाओगे तब भी आप कर लोगे, देखो 13 है तो ये 5 है तो ये कितना होगा, बस यही आपको पता करना है ये कितना लेंथ होगा। तो मैंने आपको पैथागोरस त्रिक भी याद करने के लिए कहा था, 5 12 13 5 12 यानी कि 12 होगा ये,
हर बार तेरा इसे पाइथागोरस ट्रिक मैंने कुछ है कि याद करने के लिए कहा था, जो स्टैंडर्ड है जो हर बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में यूज होता रहता है, पर निकालने में आपको समय लग जाएगा। तो थीटा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, नेसेसरी निकाल रखा, ये 12 पता चल गया, बस हो गया काम आपका। तो 12 हो गया, बस आपको लगाना है कि भाई मूवमेंट कंजर्वेशन लगा दो, मोमेंटम कंजर्वेशन, मूवमेंट निकालो, इस पॉइंट से निकाल लो आप मूवमेंट। तो देखो इस पॉइंट से मूवमेंट ये इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, और ये इसको एंड जो है इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है पूरी डायरेक्शन में। ऐसे भी यहाँ के बाद दो ही फोर्स एक है, तो दोनों अपोजिट ही रहोगा, अगर अपोजिट नहीं रहा तो बैलेंस ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी सोचने की जरूरत नहीं कि इधर घुमा रहा है या ये इधर घुमा रहा है, दो ही फोर्स है, दोनों को बैलेंस करो चुपचाप। ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू का देखो डिस्टेंस इस सेंटर से कितना, अपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या है, तो 2.5 होगा। 2.5 आप लगाओ, मजे लो, 2.5 आपने लगाया, एन है आपका इधर जा रहा है, इसका डिस्टेंस परपेंडिकुलर ये होगा जो कि आपका 13 होगा, आपका 13 13 है ये, तो ये 12 होगा। देखो 12 आ गया, इसका थीटा निकालने को जरूरत ही नहीं था, तो 12 हो गया आपका, तो 12 आ गया आपका, तो एन यहाँ से निकल के आ गया, तो आपको ये नॉर्मल फोर्स निकल के आ गया। तो बस यही सब चीज़ निकालना है, ये नॉर्मल फोर्स निकल के आ गया, फिर आपको ये एन बी निकाल के निकालना है, तो एन बी भी तो आपका आराम से निकल जाएगा। एन बी निकालना कौन सी बड़ी बात है, आप इस डायरेक्शन में आप क्या कर दो, फोर्स बैलेंस कर दो, कौन कौन अननोन है यही सब निकालना है। तो इस डायरेक्शन में आप फोर्स बैलेंस कर दो, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स बैलेंस किया, तो यहाँ पे अगर फोर्स बैलेंस किया आपने अगर बाई डायरेक्शन में, तो देखो एन बी के बराबर डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, एन बी जो होगा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक फोर्स नीचे लग रहा है, दोनों बराबर रहेगा, नहीं तो भाई जिधर रहेगा उधर डायरेक्शन में ये घूमने लगेगा चलने लगेगा। तो उसको हमने बराबर किया, और जैसे ही बराबर किया तो हम लोग एन बी डब्ल्यू के बराबर आ गया, डब्ल्यू उसने दे ही रखा है वेट इसका, उसने नहीं दे रखा है या दे रखा है, तो अगर नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं दिया तब भी निकल जाएगा आपका। एक्स डायरेक्शन में आप काम करो, आप इस डायरेक्शन में काम करो, ये एक्स डायरेक्शन इसको कहा गया है, तो इस डायरेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, एक फोर्स तो ये लग रहा है एन जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और एक फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, दोनों को बराबर कर दो भनक से, तो एन ए जो होगा एफ बी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। फ्रिक्शन फोर्स का आप जानते हैं क्या लिख सकते हो, तो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है उसको आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल फोर्स यानी कि यहाँ पे एन बी जो आ रहा है एन बी को आप मल्टीप्लाई कर दो म्यू बी से, एन बी आप निकाल के लाए वो डब्ल्यू के बराबर था, डब्ल्यू का वैल्यू पुट करो यानी कि निकल के आ गया एन ए एन बी के टर्म में आपका मास के टर्म में आ गया है, आपका वेट के टर्म में, सॉरी यहाँ पे गलती दिखा गया, म्यू बी के थोड़ा बहुत देख लो यार, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो जाता है, ये म्यू बी है, म्यू बी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया आप लोग, उस खुद से सॉल्व करो ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसको, यहाँ पे सोल्यूशन मत देखो, यहाँ पे कुछ का कुछ लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो आपने ये किया जो ये निकल के आ गया इतना, उसके बाद आप यहाँ से निकल के आ ही गया है आपका, आपको फ्रिक्शन निकालना है, डब्ल्यू के टर्म में आ गया है आपका, अब बस एन ए का वैल्यू ये बार डाल दो, डब्ल्यू डब्ल्यू दोनों तरफ कट जाएगा आपका, यू भी निकल के चला आएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, और सबसे बड़ी बात ये 12th से ही क्वेश्चन को आप करते आ रहे हो, याद करो, अगर आप लोगों ने तैयारी किया होगा, आप लोगों ने इंजीनियरिंग सर्विस वो जेई का आईआईटी जेई का, तो उसमें मैंने बाहू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराया है मैंने बच्चों को, मुझे याद है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है मैकेनिक्स, ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है, कि अगर आपको थोड़ा सा भी एनर्जी कंजर्वेशन का कुछ भी कॉन्सेप्ट याद हो, फोर्स का भी कॉन्सेप्ट याद हो, कि फोर्स और कुछ नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, उसने लिख रखा था क्यूब स्ट्राइक स्टेशनरी वॉल, एक क्यूब है स्ट्राइक स्टेशनरी वॉल एक्सपेक्टिंग एग्जर्टिंग एंड एवरेज फोर्स 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स इस पर लगा रहा है, टाइम ऑफ 10 सेकंड में ये फोर्स लगा दे रहा है, उसके बाद उसने कहा है द बॉल का मास उसने दे रखा है, स्पीड आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तो ये आप मोमेंट के टर्म कंजर्वेशन लगाओ, देखो ये है और ये है, ये टकराया उससे और ये क्या हुआ भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में कॉलिजन से करने मत लग जाना, इसमें मत लगाने लग जाना ये वाला फॉर्मूला, ये का जो टक्कर के पहले का वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फोर्स खुद ही दे रखा है, फोर्स निकालने में काम आता था, वो फोर्स उसने खुद ही दे रखा है, फोर्स दे रखा है चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर लो, 50 न्यूटन का इस पर फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन पहले रेस्ट में था, अब इसमें अब वो 10.0 कितना था टाइम, जो जिस टाइम में लग रहा था वो 10 मिली सेकंड में लग रहा था वो फोर्स, तो बस इसका कर लो कि भाई फोर्स लगेगा तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा इसका 50 इक्वल टू, इसका पहले भाई मोमेंटम क्या था, पहले मोमेंटम 0 था, पहले रेस्ट में था ये, अब बाकी मोमेंटम क्या क्या हो गया, एम भी हो गया इसका मोमेंटम, हम लोगों ने मोमेंटम को टाइम से डिवाइड किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, बस टाइम से डिवाइड किया, एम भी निकालना है हमको, एम भी उसने दे ही रखा है, अभी निकल गया यहाँ पे बनाक से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, बच्चा वाला क्वेश्चन। तो मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भाई, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो, मैकेनिक्स आप लोगों को नहीं आ रहा है, तो आपने मैकेनिक्स लिया कैसे, आप लोगों को 11th 12th में मैकेनिक्स ही नहीं आता था,
आप लोग एससी वर्मा का बुक बनाइए। 12 बच्चे कह रहे हैं कि सर मैकेनिक्स का कोर्स पहले बनाइए। अरे भाई जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इंपॉर्टेंट कोर्स है मैं इंपॉर्टेंट बेसिस पर बनाऊंगा ना। मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट वो लोग कर लेते हैं यार, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है, उसमें थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एससी वर्मा बुक निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। जो ना आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपने फेसबुक व्हाट्सएप फेसबुक पेज है मेरा, उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता रहता है फिजिक्स के क्वेश्चन, तो आप फेसबुक पेज पर जाइए, एस के आजाद PCBM लिखा होगा, फेसबुक पर आप सर्च कीजिए, ASKAZADPCBM, इसको आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा मेरा फेसबुक पेज। वहाँ पे रेगुलर डिस्कस होता रहता है सब क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो जो भी कॉन्सेप्ट है आप जो भी पूछना चाहते हैं वहाँ पे आप मैसेज में भी डाल सकते हैं, मैसेज में ही डालिए, वहाँ पे आपको वो पोस्ट में आ जाएगा और लोग उस पर डिस्कशन करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको सोल्व करते रहेंगे, तो प्रैक्टिस होता रहेगा आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोग चलते हैं हम लोग 69, क्योंकि जैसे ही आप मैकेनिक्स का क्वेश्चन सोल्व करना बंद कर दो, मैथ की तरह है, जैसे ही सोल्व करना बंद करोगे वो आप फिर से वो वही हाल में आ जाओगे आप लोग। उसको मैं अंत में ही, सबसे अंत में ही डिस्कस करूंगा उस सब चीज़ों को। यहाँ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग एस्टीमेट रिगार्डिंग सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। ये आपका मटेरियल साइंस का क्वेश्चन है, मटेरियल साइंस पता नहीं आपने कितना पढ़ा, तो इसमें तो काफ़ी क्वेश्चन आता है, गेट में ऑब्वियसली कम आता है, पर यहाँ पे आता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है क्वेश्चन, द सोलिबिलिटी ऑफ मेटेलिक सॉलिड इज प्राइमरी लिमिटेड बाय साइज फैक्टर। तो ये बिल्कुल सही बात है, साइज फैक्टर पर डिपेंड करता है कि क्या साइज है, साइज फैक्टर क्या है, उसी पर उसको कितना सोल्यू वो उसमें सोल्यूबल है ये आपको पता चलेगा। तो ये आपने मटेरियल साइंस का बेसिक सब है, ये आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, थ्योरी है इसे बताने लायक कुछ नहीं है। सेकंड चलते हैं, अ मेटल विथ हाई वैलेंसी कैन डिजॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल ऑफ लो वैलेंसी। बिल्कुल गलत बात है यार, वैलेंसी से डिजॉल्व का क्या कनेक्शन, और वैलेंसी से डिजॉल्व का कनेक्शन भी है तो उसमें वहाँ पे जो वैलेंसी है तो वहाँ पे आयनिक कंपाउंड जैसा कुछ बन रहा होगा, तो वो तभी होगा जब वैलेंसी लार्ज वैलेंसी वाला लार्ज वैलेंसी के साथ ना कंबाइंड करेगा, स्मॉल वैलेंसी वाला के साथ क्यों कंबाइंड करेगा। थर्ड देखेंगे हम लोग, अ मेटल विथ सेम लैटिस स्ट्रक्चर क्रिस्टल कैन फॉर्म सीरीज ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है ये, अगर वो सेम लैटिस क्रिस्टल है तो उसके लिए आसानी होता है एक दूसरे से कंबाइंड होना और वो सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। उसके बाद फोर्थ है आपका, ये नहीं होगा, ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका जो वैलेंसी अधिक से अधिक अधिक बार वैलेंसी वाला अधिक ही वैलेंसी में डिजॉल्व होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग थर्ड में, अब मेटल विद सेम लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन फॉर्म अ सीरीज ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ में, द लिमिट ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन इज इंडिकेटेड बाय अ सेफ फेज बाउंड्री कॉर्ड, ये गलत है आपका, लिक्विडियस जैसा कुछ नहीं होता है, ये इसको नहीं कहते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है फोर वाला, तो आपका सी आंसर सही है, तो सी आंसर सही है, इसमें इतना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन है आपके पास, वह है बॉक्स ऑफ वेट, ये आपका 1000 न्यूटन है उसका वेट, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स उसने दे रखा है कि उसको 0.5, आपका क्या है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है व्हेन बॉक्स इज पुल्ड बाय 100 न्यूटन, 100 न्यूटन से उसको पुल किया जा रहा है, तो उसके बाद उसने पूछा है द फ्रिक्शन फोर्स डेवलप बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड एट इमिटिंग मोशन इज, तो इसको मोशन ना हो इसके लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली ये तो बेसिक क्वेश्चन है फ्रिक्शन का, अगर इतना भी आप नहीं जानते हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि उसने क्या कर रखा है कि वेट कितना है आपका, वेट है 1000, आपका 0.5 उसका कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स जो लग सकता है वहाँ पे वो लगेगा 500 न्यूटन म्यू एन मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, इतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, जरूरत जितना रहेगा उतना ही लगेगा, और जरूरत है उसको 100 न्यूटन आपने लगाया है उसको खिसकाने के लिए, तो वो 100 न्यूटन से ज़्यादा क्यों लगेगा, 100 न्यूटन से ज़्यादा लग गया इधर तो समझो इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, वो 100 न्यूटन से ज़्यादा नहीं लगेगा, इधर अगर 100 न्यूटन लग रहा है तो इस डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और वो आपका 100 न्यूटन ही लगेगा, तो इसका आंसर आपका सी होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन है आपका, इसमें 12th से ही पढ़ते आ रहे हो,
तो ये सब चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए चाहिए। तो इस लेसन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। आपसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक शेयर करें, रिकमेंड करें, रिव्यू दें, रेटिंग दें, अपने दोस्तों को बताएं, आप मुझे रिव्यू दें, बताएं कि भाई अगर कुछ सजेशन दे रहा है तो वो भी दे सकते हैं रिव्यू में। रेटिंग दीजिए, 5 रेटिंग जरूर दीजिए आप लोग। 5 रेटिंग देने में आपको पैसा नहीं लग रहा है। शेयर भी कीजिए ट्विटर फेसबुक जो भी आपका, इस पर आप लोग इसको पोस्ट कर दीजिए। शरमाइए नहीं कि भाई लोग देख के क्या सोचेंगे कि भाई